टाइम हो चुके ऑलमोस्ट 5:47। मैं अमृतसर ही कल गुरसीत का विआह से पहले गल बई नूं सॉरी कि विआह दे लई मैं कुछ जाया जाना तो चलो कहने होंगे कि कुछ चीज़ लिए कुछ तो छड़ना ही पैंदा इस करके बई हुण आपां चलिए गोवा। ठीक है, तो अमृतसर तो फ्लाइट आ दिल्ली, दिल्ली तो हैगी है सीधी गोवा। डायरैक्ट फ्लाइट नहीं मिली तो पता नहीं क्यों उन्हें डायरैक्ट फ्लाइट अजे नहीं चलाई, अज तक नहीं सी अवेलेबल मैं नहीं मिली। तो फिलहाल ये आपां नूं इनवाइट किया हुआ स्कॉडा ने, ठीक है, स्कॉडा की नवी कार आ रही है स्लाविया। ठीक है, जिवें कि मैं लास्ट टाइम मुंबई भी गया, मैं ब्लॉग नहीं पा पाया दिल्ली वाले से, इस साल का पहला ब्लॉग है कि आप दिल्ली वाले से पा रहे हैं, तो जस्ट हूँ आप इतने डेली पाया भी करा क्योंकि बिजी सगा इस करके एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता सगा। तो उम्मीद है कि तुम मिस कर रहे होंगे तो हम थोड़ू कंटिन्यूसली इनफॉर्मेशन इतने मिलेगी मिलेगी। तो बाकी हूँ देखते हैं और की होंगे है की सिस्टम है। तो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू दोबारा मैं देखने वास्ते। तो हम मिलते हैं अपना एयरपोर्ट जाके, तो मीह बहुत पै चुका वैसे सारा सारा मतलब रोड गिला हो चुका है। तो इन्होंने मैंने इतों पिक कर लिया, लाइक उन्होंने कैब भेजी सी, फिर और थोड़ा बहुत फन होने वाला अगे चल रहा ते। दोस्तों थोड़ा जहा पंगा हो गया, पंगा की हो गया कि जिदा मैंने वैसे पहला पता सी ये चीज़ कि लाइक ड्रोन नहीं जाता चैकिंग बैग के, ड्रोन नहीं जाता हैंड बैग के जोड़े कैबन बैग के, पर जो इतने एयर इंडिया वाला सी ना तो उन्हें मैंने कहा कि नहीं तुम लैके जा सकते हो। तो मैंने दो बार पूछा भी तो पर फिर कहीं लैके जा सकते, पर उही पंगा होया कि जो आप सिक्योरिटी चेक कराने उन्होंने मैंने कहा कि नहीं लैके जाना, इस करके 4-5 गेड़े के अपन क्ढने पै गए। तो पर ठीक है, फिर आपको चैकिंग बैग से देता तो वो अपन सीधा गोवा ही मिल जूगा। तो आप दिल्ली भी लै सकते पर आप गोवा ही ले लिया, तो उत्थे ही पहुँच जूगा। तो स्पैशल टैग हूँ कि मैं थोड़ा उत्थे पहुँच के दिखाऊंगा कि तुम टैग लगा सकते हो, साडा जरूरी है तो इस करके सानू अर्जेंटली उत्थे मिल जाए, क्योंकि अदरवाइज की होंगे कई बार राह ही रह जाता है। पर लोकल डोमैसटिक नहीं होंगी ये चीज़, इंटरनेशनल ज़्यादा होंगी है। तो फिलहाल हम मैं वेट करूँगा, ये लॉन्च बने होंगे इतने, तो इदा इतने बह सकते हो तुम, तो काफ़ी वगैरह वास्ते इतने मिल जाता थोड़ा। तो बाकी लोकल फ्लाइट्स में कोई कई चीज़ा जी असं लेके जा सकते हैं, इंटरनेशनल च नहीं लेके जा सकते। तो दोस्तों एक बार ही लग्या, तो बट हाँ थोड़े कोविड रिपोर्ट होनी चाहिए, जो थोड़े दोवें इंजैक्शन लग गए तो फिर कोई चक्कर नहीं, फिर इट्स ओके। तो हुण आपां चलांगे क्योंकि 2 घंटे का वेट है इत्थे, तो देखते हैं कित्थे बहना की सिस्टम है। दिल्ली पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों इत्थे ना इदां लिखिया हुंदा डोमैसटिक ते इंटरनेशनल ट्रांसफर, तो थोनों एयरपोर्ट तो बाहर निकल की लोड़ नहीं होंगी, तुसी अंदर अंदर ही ट्रांसफर कर सकते हो। तो इत्थे लिखिया हुंदा प्रॉपर हरेक जगह पर, आपां डोमैसटिक च ही हाँ तो इस करके आपां इत्थों ही अंदर वड़ जाएंगे दोहरे। थोड़े इतने फ्लाइट नंबर लिखा होंगे जिदा लिखा AI 885, उत्थे देखना होंगे भी कितने 885, तो फिर उस हिसाब से तुम उस गेट नंबर पर जा सकते हो। इतने इन्होंने गेट नंबर मैनशन नहीं किया हो, इस चीज़ ध्यान रख्या करो। फिर उही गल हुंदी है कि चैकिंग बहुत ज़्यादा है तो इस करके ध्यान रखना पैंदा। तो जे थोड़े को अगला डोमैसटिक का या इंटरनेशनल का बोर्डिंग पास हैगा फिर ही थोड़ा इतों लंघन देंगे, अदरवाइज सारा बाहर निकल के दोहरे अंदर आ के बोर्डिंग पास लैके फिर आना पैंदा। इस करके जो तुम डोमैसटिक भी ट्रैवल कर रहे हो, थोड़ी कनैक्टिंग फ्लाइट है तो तुम पहला ही नाल बोर्डिंग पास लैके आओ, फिर मच बैटर है। तो हुण आ सिक्योरिटी चैक हो चुकी है, जरूरी होंगी है, कोशिश है तुम नहीं कैरी कर सकते वो मैं दस दूंगा। तो फिलहाल हम बहने गेट नंबर है भाई अपना 34A, तो इतने बहुत कुछ खाने पीने भी मिल जाता है, फ्री लॉन्च मिल जाता है एक। ठीक है, अब आप बहवेंगे नहीं, अपना टाइम घट है, ऑलमोस्ट 10 बज चुके ने, 11 बजे अपनी फ्लाइट है, तो मैं अपन पहुँचा ही जाना, इस करके आप अच्छ फ्री लॉन्च नहीं बह रहे, वापस आने पवेंगे। ये भाई सारे सारे ड्यूटी फ्री जोड़े होंगे तुम कहने हो, ये सारे वो ने। तो दोस्तों मैं टर्मिनल 3 के उत्ते ही हाँ, जो कि इंटरनेशनल भी इतने फ्लाइट छोड़दियाँ ने, वैसे टर्मिनल 2 या डोमैसटिकली चलता होंगे पर मैं टर्मिनल 3 के उत्ते हाँ, सारा टर्मिनल 3 है। जोड़े बंदे बाहर जाना चाहते उतो देख सकते हैं। तो दोस्तों वैसे उपर भी फूड कोर्ट है, पर मेन फूड कोर्ट है जेडे कि आप गल करते हैं। तो इतने थोड़ा लाइक अपना क्रैडिट कार्ड या डेबिट कार्ड दिखा के कोई लॉन्च फ्री मिल जाता है, खाने पीने वास्ते रेस्ट करने वास्ते तुम वो जरूर कर सकते हो।
ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫਾਈਨਲੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਐਰੋਪਲੇਨਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਪਰ ਇਹ ਟਰਮੀਨਲ 3 ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ 1 ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰਾਊ 2 ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰਾਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਗੋਵਾ ਤੇ ਗੋਵਾ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ RFC ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦਿਆਕਰਨ ਵਲੌਗਸ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਯਾ ਸਪੀਤੀ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਿਪ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਿਹਾ -30 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਸਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਇਓ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਨ ਹੈ ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਨੋ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਨ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੋਵਾ ਫਨ ਕਰਾਂਗੇ 2-3 ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਕੋਡਾ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੋਡਾ ਸਲਾਵੀਆ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮਰੂਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਬਲੀਨੋ ਦਾ ਨਵੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਸ਼ੂਟ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟ੍ਰਿਪਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਦੰਬੂ JK Tyre ਦਾ ਈਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਹਰੇ ਦੇਣੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਲੀ ਅਪਡੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫਾਈਨਲੀ ਗੋਵਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਆਲਮੋਸਟ ਲੰਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੈਦਰ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਆ ਜੈਕਟ ਲੱਥ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੈਬ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ 885 ਸੀ ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖਲੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉੱਥੇ ਪੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈ ਇਹ 2 ਹੈ ਉੱਧਰ 3 ਵੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬੈਗ ਆਇਆ ਵੈਸੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਰਹਿ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੋਵਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਰਿਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੈਸੇ 2 ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਕੋਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੋਡਾ ਸਲਾਵੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰੂਮ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਤਾਜ ਡੋਕਟਿਕ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਅਬ ਹਮੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਛੋੜਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਸਾਰੇ ਕਪੜੇ ਹੈ ਔਰ ਸਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਸੇ ਆਇਆ ਮੁੰਬਈ ਸੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ तो वही अभी हम लोग चलते हैं चिल करते हुए ठीक है दोस्तों इनके पास ऐसे ना केले केले अपार्टमेंट्स हैं लाइक ये आप देख सकते हैं तो जिसमें हम लोग रह सकते हैं काफी बड़ी प्रॉपर्टी है ये भाई वो सामने बीच है सारा ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਓ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਬਈ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹਮਾਰਾ ਰੂਮ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਜ਼ਰੀਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਜ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆ ਜਾਓ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬਈ ਯਹਾਂ ਸੇ ਇਸਕੋ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਤਾਜ ਦੇ ਰੂਮਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 5-star ਲਗਜ਼ਰੀਅਸਟ ਹੋਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਮਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਹੈਲੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਧਰ ਲਾਈਕ ਸ਼ਾਵਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਟੱਬ ਬਹੁਤ ਸੈਕਸੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਭਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਚਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਟੈਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ
कवर्ड्स आ गया, ठीक है। दैन ये आ गया भी सारे का सारा रूम जोड़ा कि बहुत ही सोहना है, ठीक है, लिटरली बहुत सोहना है, ठीक है। तो एक चीज़ जी इन्होंने अपन दी है स्कॉड वाले ने, अपने शूट लिए आए थे। तो मैं तुम दसदा लास्ट टाइम भी इन्होंने मैनू बॉम्बे बुलाया से, वैसे बहुत सारी कंपनियां बुला ने थोड़ी मेहर नाल कि क्योंकि तुम इन्ना प्यार दें हो तो आप सारी कोई नवी गड्डी लॉन्च होंगी तो इनवाइट करते हैं, आप फ्री हो जरूर जाने होंने। तो इन्होंने उदो मैं रुकाया से बॉम्बे वाले ताज, वो मैं ब्लॉग नहीं पा पाया पर मैं पाऊँगा जरूर, मैं बनाया हुआ वह। तो ये साढ़े ये रूम नंबर वगैरह आ गए, ठीक है। ये सानू इन्होंने ताज वाले ने दिता है कि आप देखते हैं, ठीक है। ये आ गया बई इन्हों ताज वाले का 26 तरीक न, ठीक है, गैस चलो है। तो अच्छा भी ये इन्होंने आपू वेलकम वगैरह किया है, तो सारा कुछ दसिया भी किन्ने ट्रीज वगैरह, मतलब सारा ये बारे लिखा हुआ ताज बारे। तो ये हैगा चिल कम, तो इतने ये पता नहीं की है। अच्छा ये कॉफ़ी कूफी वास्ते ब्रो, ठीक है, आप शाम बनावे। तो ये आ गई स्क्रीन, ठीक है, ये अपन फ्रूट देते ने, ये पता नहीं की है ब्रो, मेरे सामने हैगा भी लॉक ही है, हाँ ये लॉक है, पता नहीं की है। तो ये रूम बहुत ही सोहना है। तो इधर भाई आ गई नाल ही बालकोनी, बाहर गर्मी है फिलहाल, हूँ नहीं जावे बाद जावे जरूर। तो दोस्तों हूँ आप मिलते हैं थोड़ा फ्रैश होके, तो क्योंकि सवेरे मैं अर्ली निकलिया सी ऑलमोस्ट 5:30 उठा हो, तो बाकी तुसी ताज होर भी देख लिया होना, शाम को साड़ी ब्रीफिंग है वो भी मैं तुम्हें दसूँगा, ठीक है। तो कल ऑफिशियली आप कल ऑफिशियली आप शूट करांगे सलाविया का, ठीक है, मैं पहला भी किया रिव्यू किया जैसे, तो ड्राइव है साड़ी, तो बहुत चीज़ा बीच पर भी चलेंगे शाम आप जरूर, ठीक है। तो फिलहाल मैं नाला फिर मिलते हैं आप, -30 तो -+20 आ गया मैं सीधा ही। तो दोस्तों मैं हूँ निकल आया बाहर क्योंकि 6:30 ब्रीफिंग है, तो आप ब्रीफिंग से चलेंगे, देखते हैं कि शड्यूल है कल का। तो हूँ थोड़ा जहा ठीक हो गया, दिन गर्मी सी बहुत ज़्यादा वाली, तो हूँ इन्नी नहीं हैगी, नहा नू के फ्रैश हो गया, मज़ा आ गया ब्रो। तो भाई तुम इतों ना व्यू चैक करो कि सोहना सनसैट हो रहा इधरों, तो हूँ आप वैसे तो इन्होंने बाहर टेबल्स भी होंगे उत्थे भी चलेंगे। तो दोस्तों वैसे इतने लाइक बहुत टाइप के रूम्स ने इन्होंने लाइक बहुत तरह के अवेलेबल ने, तो जिन्होंने कि पूल अटैच भी है, तो पर इतने असं तुम कला पूल दिखाने। भाई जी के सोहना स्वाद है, देखो ये सारा डेक है, तो ये सारा बीच है। भाई नैक्सट लैवल व्यू है, तो नैक्सट लैवल मजा है, तो थोड़ी जी ह्यूमिडिटी हैगी है विवाह के बड़े है, आप थोड़ी छेती है, आप पहले जाके ब्रीफिंग देखनी है फिर आने बीच से, क्योंकि रात पार्टी ही करनी है। तो वैसे गोवा बहुत सारी आ चुके हैं, तो बट थोनू इस चैनल पर ब्लॉग नहीं दिते हुए, मैं दूजे दिते हुए। दोस्तों फाइनली उतो ब्रीफिंग वगैरह सारी हो चुकी है, तो आप उतो फ्री होकर, तो हम इतने पार्टी है राधी उत्थे आए हैं, तो इन्होंने सानू दिता बैग्स, ये कुछ कूपन ने अभी उतो शॉपिंग कर सकते हैं, तो कुछ होर फंक्शन होगा तो तुम भी इंजॉय करो। तो छोटे मोटे इवेंट्स नहीं होंगे, बहुत बड़े इवेंट्स होंगे, इतने सारा मीडिया इतने आप बैठे थे, तो लाइक जे इंडिया के मेन मैगजीन्स ने जो जर्नलिस्ट ने वो सके साढ़े ना बैठे हुए, तो थोड़ा वो ब्रीफ मैं कमरे जाकर दसदा हूँ। फिलहाल इतों शॉपिंग वगैरह आप कर सकते हैं, तो दोस्तों ये कूपन निकले ने लाइक ये सारे कूपन ने जोड़े कि अभी इतों शॉपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्हों को इतने लाइक ऑर्गेनिक है सारा का सारा, तो लाइक ये भी एक इस नाम का ब्रांड है, तो तुम इतों आप इन्हों को भी कुछ लें, उतों मैं शर्ट ले ली है, तो इतों असं देखते हैं भी सानू की मिलता है। तो इन्हों को इतने सोप्स भी है, तो समथिंग मतलब बहुत कुछ स्पैशल है, तो पता नहीं हम आपको की पसंद आऊगा ये। तो दोस्तों इन्हों को आप ले लिया किट, ठीक है, तो इधर भी हैगा कुछ, तो इन्हों को भी देखते हैं आपको की मिलता है, इनके पास तो काफ़ी कुछ है पता नहीं हूँ। तो इतों मैं ले लिया ये, ठीक है, तो ये हैगा टुक टुक करके, आई थिंक तुम इंस्टाग्राम से सारे देख सकते हो, तो इतने सारे शॉपिंग कर रहे हैं, असी अपना बैग भर लिया, ठीक है, पार्टी का सीन है प्रॉपर सारी का सारी का, क्या बात है, चिलिंग व्यू है।
दोस्तों फाइनली ਆਪਾਂ ਰੂਮ ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਬ్రో 10 ਵਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਲਾਵੀਆ ਦੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਚਿਲ ਸੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਬੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੈਦਰ ਵਧੀਆ ਹੈ ਗੋਆ ਦਾ ਦਿਨੇ ਗਰਮੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫੂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਰਾਊਡ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੌਰੀ ਤੇ ਬਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਵਲੌਗ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਵਲੌਗਸ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਵਲੌਗ ਲੈ ਕੇ ਬਾਏ।